स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी रीडर में चैप्टर 12 ग्राम श्री। इसकी बुक रीडिंग करेंगे, हाफ चैप्टर आज करेंगे आज के पीरियड में, और नेक्स्ट क्लास में हाफ चैप्टर समझाया जाएगा। तो बच्चों जैसे कि आपके चैप्टर का भी नाम है ग्राम श्री, श्री का अर्थ क्या होता है बच्चों? लक्ष्मी। और ग्राम यानी गाँव, गाँव की लक्ष्मी। गांव की लक्ष्मी क्या क्या है, गांव में लक्ष्मी कैसे आती है, या गांव की लक्ष्मी किसे कहा गया है, उसी का वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। कृषि प्रधान देश, इस पाठ में क्या है बच्चों ध्यान दीजिए, कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में लहलहाते खेत, फलों से लदे बाग बगीचे, विभिन्न वृक्षों व लताओं से भरे सघन जंगल, ये सब यहाँ का सौंदर्य बढ़ाते। कहाँ का? गांव का। ग्राम के किनारे दूर दूर तक फैले खेत खलिहान अनेक प्रकार की फसलों की याद दिलाते हैं। प्रस्तुत कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने अत्यंत सरल, सरस व स्वाभाविक ढंग से इसका चित्रण किया, बहुत सरल तरीके से, सरस यानी सरलता से, सरस पूर्वक इसका वर्णन किया है कि ग्राम श्री इसे कहते हैं। ग्राम श्री क्या है आप अपनी बुक में देखिए, चैप्टर 12 पेज नंबर 99। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चार किसी उजली थाली। कभी कहते हैं कि फैली खेतों में, खेतों में दूर तलक यानी दूर तक फैली है क्या, मखमल सी कोमल हरियाली, जो खेतों में छोटे छोटे पौधे हैं हरे हरे, वो कैसे दिख रहे हैं, जैसे मखमल हो, जैसे मखमल आप समझते हैं शनील, शनील जिसको बोलते हैं हिंदी में उसको मखमल कहते हैं, मखमली बिस्तर, मखमली रजाई होती ना वैसे, तो कहते हैं मखमल सी कोमल हरियाली, जो कोमल कोमल हरियाली है खेतों की वो ऐसी प्रतीत होती है मानो वो मखमल की चद्दर बिछी हो, ठीक है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, और रवि यानी सूर्य की किरणें उससे लिपटी हुई है मखमल की चादर से, चांदी की सी उजली थाली, ऐसा प्रतीत होता है चांदी की उजली थाली है वह, ठीक है, जैसे चांदी व्हाइट होती, सिल्वर सिल्वर कैसा होता है, वैसे चांदी की सी उजली थाली, जो सूर्य की किरणें हैं जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता है थाली रखी हुई है चांदी की सी। तिनकों के हरे हरे तन पर, जो तिनके हैं घास के, जो तिनके उनके हरे हरे तन पर यानी वो उनका शरीर हो गया, हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, हिल माने हिल रहा है क्या, हिल रहा, हरित यानी हरा, हरा रक्त छलक रहा है, क्योंकि जब आप कोई कोमल सी पत्ती तोड़िए, कोमल सी घास तोड़िए तो उसमें से हरा हरा पानी निकलता है, तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हिल हरित हिल रहा है, हरा हरा रुधिर माने रक्त खून छलक रहा उनमें, इनमें तिनकों के हरे हरे पत्तल पर, तिनकों जो तिनके हैं घास के ऊपर, श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चीर निर्मल नील फल, श्यामल यानी जो हरा भरा हमारी धरती है, भूतल है, जमीन है, उस पर झुका हुआ क्या, नव का चीर, नव आसमान का चीर निर्मल नील फलक, लकड़ी का तख्ता, ऐसे लग रहा है कि हमारी धरती पर जो ये आसमान है ऐसे झुका है, ऐसा प्रतीत होता कोई उस पर आच्छादित किया, कोई जैसे हम लोग लकड़ी का कोई तख्ती बना लेते हैं उसको आच्छादित किए रहते हैं, तो श्यामल भूतल पर झुका हुआ हमारी हरी भरी धरती, श्यामल हरी भरी धरती पर झुका हुआ नव का चीर निर्मल नील फलक, नव का आसमान जो झुका हुआ ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी ने उस मखमली चादर पर जहां पर चांदी की थालियां लगी हुई उस पर किसी ने आकर उसको आच्छादित कर दिया, छा दिया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा माने जो हमारी धरती है वो रोमांचित लगती है, खुश लगती है, अत्यंत प्रसन्न लगती है, आई जो गेहूं में बाली, गेहूं में जब बालियां आ जाती, छोटी छोटी सी बालियां लग जाती, पौधे होते उनमें छोटी छोटी बालियां लग जाती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारी वसुधा जो है बहुत रोमांचित हो रही, खुश हो रही है। अरहर सनई की सोने की, अरहर अरहर यानी अरहर की जो तुअर दाल बोलते हैं, अरहर की दाल सनई की सोने की, अरहर सनई की सोने की, अरहर की दाल का जो पौधा होता है सनई, जिससे सनई होता है एक प्रकार का पौधा जिससे बाग बनाए जाते हैं, खटिया वगैरह बुनी जाती है गाँव में, उसको बोलते सनई, सनई का पौधा, यहाँ रावतला में भी सनई के फूल मिलते हैं, छोटे छोटे पीले रंग के होते हैं। किंकड़ियां हैं शोभाशाली, छोटी छोटी घंटियां, किंकड़ियां का अर्थ है छोटी, जो सनई का होता है ना, जो लगती है सनई
उसकी फलियां छोटी छोटी सी होती तो वो बजती हैं, अरहर की जैसे इतनी सी फली होती उसको बजाने से वो बजती है, तो वही लिख रहे हैं अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। ऐसा लग रहा सोने की लड़ियां मोतियां या फलियां जो हैं बहुत ही सुंदर दिखती हैं। उड़ती भीनी तैलाब के दर्द, उड़ती भीनी तैलाब का अर्थ होता तेल से युक्त, यानी जब हमारे खेतों में सरसों लगते हैं उनमें पीला पीला पर पीले फूल आ जाते हैं बच्चों, तब जब हवा चलती है तो ऐसा प्रतीक होता उस हवा में जो है तेल सरसों के तेल की खुशबू मिक्स कर दी गई हो, मिला दी गई हो, तो जब आप पास से गुजरेंगे ना तो बहुत अच्छा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा तेल से भरी हुई वायु आ गई कहीं से, ताजी ताजी उन सरसों के फूलों से गंध आती है, तैलाक तेल युक्त महक आती, तैलाक मीन्स तेल युक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, जो सरसों है वो पीली पीली फूली रहती है, लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी हुई, कह रहे हैं धरती के अंदर से झांक रही, क्या झांक रही, नीलम की कली सी, नीलम की कली सी क्या, तीसी मीन्स तिल, तिल के लड्डू खाते हो ना, तिल तिलहन बोलते उसको, वो ऐसा लग रहा वो भी झांक रही, क्योंकि तिल के पौधे छोटे होते हैं, अरहर के थोड़ा बड़े, मान लो ये धरती है तो अरहर के अगर इतने बड़े बड़े हुए तो तिल के इतने इतने होंगे, वो छोटे होते हैं, उनको जड़ से तोड़कर फिर उनमें जो छोटी छोटी फलियां होती उनको पीट करके फिर उनसे तिल निकालते हैं। तो लो हरित धरा से झांक रही, उस हरी धरती से झांक रही, क्या झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली तिलहन की कली नीली, नीले रंग की ऐसे तिल के जो हैं वो ऐसे हल्का सा नीले नीले बैगनी बैगनी से दिखते हैं, तो ऐसा लग रहा वो भी उस धरती से झांक रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 100 पे, रंग रंग के फूलों में इलमिल हंस रही सखी सी मटर, रंग रंग के फूलों में इलमिल, कई तरह के फूल जब ऐसा मौसम होता है बसंत होता है जब सरसों की बाली लगी हो तो उस समय क्या, उस समय का वर्णन कर रहे हैं, कभी लिखते हैं कि रंग रंग के फूलों में इलमिल, कई तरह के फूलों में मिक्सअप होके मिल करके हंस रही सखी सी मटर खड़ी, मटर की जो फलियां होती बच्चों वो उनके बारे में बता रही हैं कि वे ऐसी प्रतीत हो रही जैसे हंस रही हो कोई सखी कोई सहेली हंस रही हो, तो उसके जो दांत दिखते हैं लाइन से, तो वैसा कभी मतलब कल्पना कर रहे हैं कि जो मटर है वो ऐसा लग रहा है वो हंस रही है, उसकी जो दाने हैं मटर के वो ऐसा प्रतीत होते कोई मुस्कुरा रहा है, ठीक है, हंस रही सखी सी मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, मखमली पेटियां सी लटकी, छीनिया छिपाए बीज लड़ी, छीनिया किसको कहा गया है, उन्हीं मटर की फलियों को कहा गया, बाहर जो है सॉफ्ट होती जब स्टार्टिंग में वो बड़ी होती है बढ़ना शुरू करती है, तो मखमली पेटियां सी लटकी, ऐसा लग रहा है मखमली पेटियां बक्से लटके हुए हैं क्योंकि वो गुच्छों में मटरें होती हैं, छीनिया छिपाए बिजली, छीनिया क्या हुई मटर की फलियों को, वो अपनी बीज की लड़ियों को छुपाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि बक्से के अंदर जैसे कि मोतियों की माला पड़ी हो तो उसको लॉक करके रखते हैं छुपा करके, तो कभी की कल्पना देखो वो ऐसा महसूस कर रहे हैं अंदर से जिसका वर्णन उन्होंने किया है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जो मटर की फलियां हैं वो मोती के दानों को अंदर छुपा करके रखी हुई है, मखमली पेटियां सी लटकी, छीनिया छिपाए बीज लड़ी, बीजों की लड़ियां यानी मोतियों की लड़ियां से प्रतीत हो रहे हैं उनको, बीज की लड़ी को वो फलियां छुपाए खड़ी हुई है, फिरती है रंग बिरंग रंग रंग की तितली, ऐसे मौसम में बच्चों तरह तरह की तितलियां जो है उड़ती हैं, प्रिंटेड होती पीली पीली होती रेड होती ब्लैक होती बहुत सुंदर सुंदर तितलियां होती हैं, तो फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, तरह तरह के सुंदर सुंदर फूलों पर तरह तरह की सुंदर सुंदर तितलियां घूमती हैं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, और जो फ्लावर होते जो फूल होते वो फूल खुद फूले फिरते हैं, यानी उनको खुद में अपने में गर्व महसूस होता खुद फूले, जैसे कहते ना फूले नहीं सपाते तो वो फूले फिरते हैं खुशी से खुद वो झूमते रहते हैं, रंग रंग के फूलों पर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूल खुद में फूले फिर रहे हैं, ठीक है, उड़ उड़ ग्रंथों से ग्रंथों पर, उड़ उड़कर ग्रंथों से ग्रंथों पर, वो जो तितलियां हैं वो खुद रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही है, और जो फूल है वो भी उसी से फूले नहीं समा रहे हैं, और वो तितलियां हैं ग्रंथों से ग्रंथों पर इस पौधे से उस पौधे पर इस फूल से उस फूल फूल पर मंडराती फिर रही है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से
नेक्स्ट पैराग्राफ में अब रजत स्वर्ण, रजत स्वर्ण क्या होता है? रजत माने चांदी, स्वर्ण माने सोना, रजत स्वर्ण मंजरियों से यानी चांदी सोने की मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। लद गई क्या? आम्र मीन्स क्या होता है? आम, तरु मीन्स पेड़ वृक्ष, तो आम तरु की डाली यानी आम के वृक्षों की। मौसम के साथ साथ देखो कभी अपने सोच को भी बढ़ा रहे हैं, उधर सरसों पीले पीले हैं, उधर क्या मार्च में सरसों कट जाते हैं, मार्च का अप्रैल का महीना आता है तो आम के वृक्षों में क्या मंजरी लग जाती है, गुच्छे गुच्छे से लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब फूल, वो फूल हो गया, फूल के बाद अब लगेगा फल, फल क्या आम। तो लिख रहे हैं कभी है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, सोने चांदी की जैसी मंजरियां छोटी जब होती है तो ग्रीन ग्रीन होती है, फिर वो थोड़ा पक जाती है, उसके बाद जब आम लगने का समय आता है तो मंजरी का कलर भी चेंज हो जाता है। लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल, पीपल के पत्ते जो है वो अब झड़ना शुरू हो जाते हैं अप्रैल में, क्योंकि मई जून जुलाई में पीपल में नए पत्ते आते हैं, वही इंसानों को छांव देते हैं, ठंडक देते हैं। तो झड़ रहे घाव पीपल के दल यानी पीपल के पत्ते अब झड़ना शुरू हो गए हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल बसंत का मौसम होता है, मार्च अप्रैल का होता है, फरवरी मार्च का जब ये मंथ होता है, इस दौरान जब नए पत्ते निकलते हैं, पुराने पत्ते झड़ना शुरू होते हैं, आमों में मंजरियां आ जाती हैं, इतना सुंदर चित्रण कभी ने किया है कि वो उठी कोकिला मतवाली यानी कोयल पूरा मतवाली हो गई है और वो ऊं 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 करके गाना शुरू कर दी है। तो बच्चों इस चैप्टर सॉरी इस क्लास में, ये आने वाले क्लास में अब इतना ही होगा, कमिंग क्लास में आपका ये चैप्टर पूरा कम्प्लीट कर देंगे। तो कमिंग क्लास जो होगी उसमें हाफ आपका होगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और अपने डाउट निकाल लीजिएगा। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन आंसर और होम वर्क भी भेजा जाएगा जिसको आप अपने कंप्लीट कर लेंगे, और जो भी डाउट होगा आप इसको करेंगे। ओके चिल्ड्रेन।